तो गणेशाय भट्ट के इस यूट्यूब चैनल में मैं राहुल सर ट्वेल्थ फिजिक्स की इस लेटेस्ट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। जी हां दोस्तों, आज की जो वीडियो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध पढ़ेंगे। और इसके बाद हमारा जो एक टॉपिक और रहेगा जिसका नाम है विभव प्रवणता। क्या सर? विभव प्रवणता। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमारे ये दो टॉपिक जो है ना, हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। बिल्कुल देखते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या है विभवांतर, इन दोनों में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो दोस्तों आपको पता है जो विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपके किसके कारण आती है, बिंदु आवेश के कारण। किसके कारण आती है? बिंदु आवेश के कारण। मतलब अगर हमें ये संबंध स्थापित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बिंदु आवेश बनाना पड़ेगा। बिल्कुल बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो विभवांतर पे बात करो। तो विभवांतर क्या होता है दोस्तों, जब विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाते हैं, तो हमें क्या उत्पन्न होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है। मतलब हमें विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु स्थित करना पड़ेंगे, तब जाके आपका विभवांतर निकलेगा, और बिंदु आवेश बनाना पड़ेगा तब जाके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। ऐसा ही करना पड़ेगा ना। तो इसी को आधार मानते हुए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र के लिए क्या करते हैं, बिंदु आवेश। तो मान लिया दोस्तों हमने ये आपका एक बिंदु आवेश है जो आपका O है, और इस पर हमने क्या रख दिया दोस्तों, प्लस Q आवेश रख दिया। क्या रख दिया दोस्तों, प्लस Q आवेश रख दिया। मान लिया हमने कि O एक बिंदु आवेश है जिस पर प्लस Q आवेश रखा है, कोई दिक्कत है? अब दोस्तों मैंने क्या किया, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो ऐसे ही तो निकलेगी नहीं, कुछ दूरी रहनी पड़ेगी। ठीक है, तो मान लिया बिंदु O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर मान लिया क्या है हमारे पास, एक बिंदु जो है वो मान लिया क्या है, P है। क्या है? P है। और जिस पर हम मान के चलते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, आपकी E वेक्टर है। क्या है? ई वेक्टर। और इसकी दिशा कहाँ से कहाँ की ओर होगी, ओ से कहाँ की ओर, पी की ओर, मतलब बाहर की ओर होगी, ओपी दिशा, कोई दिक्कत? ये तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हुआ केवल। अब हम करते हैं विभवांतर के लिए। तो विभवांतर के लिए हमें दो बिंदु मानने पड़ेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, जो आपका यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र है इसके चारों, देखो बिंदु आवेश रखा तो बिंदु आवेश के चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा उत्पन्न। तो हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसी विद्युत क्षेत्र में हम ये मान ले रहे हैं कि आपके दो बिंदु हैं। कितने बिंदु हैं? दो बिंदु हैं, जिस पर आपका एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु आपका क्या है, B है। दो बिंदु हमने यहाँ पर मान लिए। अब विभवांतर के लिए दो बिंदु तो होते हैं, लेकिन दो बिंदु में क्या करना पड़ता है, परीक्षण आवेश को ले जाना पड़ता है। तो हमने मान लिया कि ये जो दो बिंदु हैं, ये दोनों बिंदु एक दूसरे से स्मॉल दूरी dr जो है इस पर स्थित है, और बिंदु P पर बिंदु B पर है ना परीक्षण आवेश जो रखा है जिसका नाम है Q0। ये आपका कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश रखा है, परीक्षण आवेश रखा है। और इस परीक्षण आवेश को जब हम B से कहाँ तक, A तक ले जाएंगे, तो जितना हमें कार्य करना पड़ेगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विभवांतर प्राप्त हो जाएगा, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें प्राप्त ही हो गई। बस इतना हमें करना है और कुछ नहीं करना है, कोई दिक्कत? इतना हम समझ गए, कोई दिक्कत? जो हमने दिखाया है आपको, डायग्राम में बनाया है दोस्तों। बस फिजिक्स की सबसे बड़ी कमजोरी क्या होती है, डायग्राम। अगर आप डायग्राम समझ गए तो आप ये समझ लो कि पूरा कुछ समझ गए, क्योंकि डायग्राम बेस्ड ही पूरा सब कुछ इसमें होता है, बिना डायग्राम के कुछ नहीं होता। अगर डायग्राम नहीं समझोगे, टॉपिक हमारा क्या है उसको नहीं समझोगे, तो आगे चीज़ें कैसे समझ पाओगे, है ना, सिंपल सी बात है। तो इसको आप समझ गए, अब हम इसको बढ़ाते हैं आगे और इसकी थ्योरी आपको दिखाते हैं। तो जो आपको थ्योरी आपको लग रही होगी कि तीन चार लाइन सर कितनी बड़ी कर दी, बट है कुछ नहीं, उसमें जो डायग्राम में दिखाया वही चीज़ तो है। और आप भी आप हमेशा इस थ्योरी को कभी नहीं रटेंगे, जो डायग्राम बनाओ, डायग्राम समझो, उस जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग थ्योरी लिखो, ठीक है? तो देखो, माना वो एक बिंदु आवेश है, तो बट हमने ऐसा ही किया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है? बिंदु आवेश है, बिल्कुल है, जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, हमने ऐसा ही तो किया है भाई, प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा।
आगे हमने क्या किया, ओ से आर दूरी पर, ओ से आर दूरी पर एक बिंदु पे ले लिया जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, बिल्कुल सर ई वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, माना विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु। अब ये आपका देखो, ये तो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया, हमें विभवांतर करना है तो विभवांतर के लिए दो बिंदु मानना पड़ेंगे। ठीक है, तो माना विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु ए और बी हैं, बिल्कुल ए और बी हमने दिखा दी, ए और बी कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसमें बिंदु बी पर हमने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया, क्योंकि हमें परीक्षण आवेश को बिंदु ए बी से ए तक ले जाना पड़ेगा, तभी तो हमें एक विभवांतर मिलेगा, हमें विभवांतर चाहिए ना, तभी तो विभवांतर मिलेगा। तो माना विद्युत क्षेत्र में दो बिंदु और भी हैं, जिसमें बिंदु जिसमें से बिंदु बी पर परीक्षण आवेश क्यू जीरो को रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जैसे ही यहाँ पर बिंदु बी पर परीक्षण आवेश को रखा और विद्युत क्षेत्र में बिंदु बी है, तो यहाँ पर इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। देखो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है, क्या है, ई है, और इस पे हमने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश क्या रख दिया, क्यू जीरो रख दिया, ऐसा ही किया ना। तो यहाँ पर एक बल लगेगा, क्या लगेगा साहब, एक बल लगेगा, और वो बल क्या होगा, लगने वाला बल क्या होगा, एक सेकेंड, लगने वाला जो बल है वो आपका बल क्या हो जाएगा, एफ बराबर, एफ बल बराबर क्या होता है, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही होता है ना हमारा बल, बोलो होता है कि नहीं, बिल्कुल सर हमारा यही होता है। तो बल आपका लग गया एफ बराबर क्यू जीरो ई, जो ही आपका विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को रखो तो इतना ही बल लगता है, आप पहले से भी जानते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये बल लगा इस बिंदु बी पर, क्या लगा, इस परीक्षण आवेश के कारण एक क्या लगा, बल। जैसे ही बल लगेगा तो ये परीक्षण आवेश क्या करेगा, परीक्षण आवेश बी से कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ए तक जाएगा। जब बी से ए तक जाएगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो वो कार्य करना पड़ेगा, वो कार्य क्या होगा उसको देखो आप। ठीक है, तो देखो कार्य, कार्य परंतु लिख देना, परंतु कार्य, कार्य क्या होता है, W, और कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। तो बल कितना है, F है। ठीक है, विस्थापन कितना है, तो विस्थापन सर कितना है, B से A तक की दूरी कितनी है, dr है, तो ये आपका आ गया dr वेक्टर, dr वेक्टर, सॉरी dr, dr आ गया। कोई दिक्कत है दोस्तों, कोई दिक्कत है सर, बिल्कुल सर इतना हमें कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर भी लगा सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो एफ है दोस्तों, एफ, एफ का क्या कर दो आप, वैल्यू पुट कर दो, एफ का जो है ना आप वैल्यू पुट कर दो। जब एफ का वैल्यू पुट करेंगे तो डब्ल्यू बराबर आपको मिलेगा, एफ का वैल्यू क्या है, ये है। ठीक है, तो ये क्यू जीरो और यहाँ पर ई वेक्टर और ये हमारा क्या है, डी आर वेक्टर, इतना हमें कोई दिक्कत है इतने में सर, हमें इतना में अभी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा ये क्या निकल गया सर, W निकल गया, क्या निकल गया, W निकल गया, कार्य निकल गया, तो कार्य निकल गया तो अब हमें विभवांतर का सूत्र लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। इस बिंदु A पर विभव क्या होगा, सॉरी B पर क्या होगा, भी और बिंदु A पर क्या होगा, भी A होगा, तो इन दोनों के बीच जो विभवांतर होगा वो क्या होता, विभव में अंतर होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, किंतु, किंतु विभवांतर, विभवांतर, विभवांतर क्या होता है सर, वी ए माइनस वी बी क्या होगा। देखो बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर यही तो होगा, विभव में अंतर। ठीक है, और विभवांतर का सूत्र क्या होता है, डब्लू अपॉन आवेश, डब्लू अपॉन आवेश, आवेश क्या है, क्यू जीरो है, कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं सर। डब्लू का मान यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर वी ए माइनस वी बी, डब्लू का मान रखेंगे तो ये आपका क्यू जीरो ई वेक्टर और ये आपका हो जाएगा डी आर वेक्टर, ये होगा ना, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, क्यू जीरो, क्यू जीरो से आप क्यू जीरो यहाँ पर उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू जीरो से क्यू जीरो आपने कैंसिल कर दिया। चलो अब ये चीज़ क्या है दोस्तों, विभवांतर, और विभवांतर को आपको पता है किससे व्यक्त करते हो, डेल भी से करते हो, ये विभवांतर है, विभवांतर को हम डेल भी से नहीं व्यक्त करते, पता है आपको, समझते हो। ठीक है, ये आपका ई वेक्टर हो गया और ये आपका सॉरी ई वेक्टर और ये आपका क्या हो गया, डी आर वेक्टर, क्या हो गया, डी आर वेक्टर। चाहे तो आप दोस्तों यहाँ पर डॉट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डॉट लगा सकते हो, सब में डॉट लगा सकते हो, ये भी यहाँ पर भी क्या लगा सकते हो, डॉट लगा सकते हो। यहाँ पर दोस्तों अगर मैं ई वेक्टर का मान निकालूँ तो डी आर को कहाँ भेजना पड़ेगा, बटे में, बटे में भेजना पड़ेगा। ओके 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 सेकेंड, वन मिनट दोस्तों, वन मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। वो थोड़ा सा मिस्टेक क्या हो गया, देखो यहाँ पर आप, यहाँ पर आप देखो,
कार बल गुणित विस्थापन है, कोई दिक्कत नहीं। कार बराबर क्या है? बल गुणित विस्थापन है, हमें यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप दोस्तों ये देखो कि जो बल है वो बल कहाँ से, बी से कहाँ तक, ए की ओर लगेगा। बी से कहाँ की ओर लगेगा? ई की ओर लगेगा। अब जब बल बी से ए की ओर लगेगा, बी उल्टा लग रहा है, बी कैसा लग रहा है? अपोजिट लग रहा है, उल्टा लग रहा है ना। या फिर हम ऐसा कहें कि आप देखो जब बल अपोजिट लग रहा है, परीक्षण आवेश को हम बी से ए तक ले जा रहे हैं, और विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ है? विद्युत क्षेत्र की दिशा है ए से बी की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा ये है और परीक्षण आवेश को हम यहाँ ले जा रहे हैं, मतलब उल्टा ले जा रहा है, उल्टी एक डायरेक्शन में ले जा रहा है। जब उल्टी डायरेक्शन में ले जा रहा है तो जो आपका विस्थापन होगा वो कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा सर? ऋणात्मक होगा। तो ये माइनस आएगा, क्या आएगा? माइनस आएगा। जब यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों? ये माइनस आएगा, बिल्कुल आएगा माइनस। ये चीज़ हम यहाँ रख देंगे, माइनस आएगा। जब ये माइनस आएगा तो इस माइनस को हम क्या करेंगे? बाहर ले जाएंगे, सबसे आगे ले जाएंगे। तो ये आपका माइनस हो जाएगा। अब जी माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका ये भी क्या बचेगा? माइनस ई वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, यही बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि माइनस का जो मैंने आपको बता नहीं पाया था, विपरीत दिशा में ले जा रहा है तो ये माइनस आएगा। तो ये जो मैंने बता नहीं पाया था वो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ से ई वेक्टर का मान निकालेंगे तो डी आर को बटे में भेजेंगे, तो ये आपका ई वेक्टर बराबर डेल भी, डेल भी, और ये आपका डी आर वेक्टर, डी आर वेक्टर, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो ये आपका यहाँ पर माइनस लगेगा ही लगेगा, ये माइनस डेल भी और यहाँ पर डी आर वेक्टर। अगर वेक्टर हटाना चाहो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, ई बराबर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? डेल भी और ये आपका डी आर, डेल भी और डी आर। तो ये दोस्तों आपका क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये क्या है? विभांतर। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभांतर में हमें संबंध स्थापित करना हो तो यही हमारा क्या है? संबंध है। यही हमारा क्या है दोस्तों? संबंध है। तो बस इतना है, इतना सा सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप डाइग्राम को समझ गए, थ्योरी लिख गए, और थ्योरी लिख गए तो फिर एक एक स्टेप बाई स्टेप आप समझो। अगर इस चीज़ को आप रटोगे तो कभी नहीं रट पाओगे। रटने की आप बिल्कुल कोशिश ना कीजिएगा, केवल आप और केवल कोशिश कीजिएगा किसकी? समझने की। और समझ गए तो आपका काम हो गया, आपका बेड़ा पार हो गया। तो सिंपल सी कहानी। अब यहाँ पर समझो, यहाँ पर समझो, अगर हम इस चीज़ को ना देखें, केवल और केवल हम इस चीज़ को देखें, किसको? इसको देखें, तो ये विभव में क्या है? माइनस। विभव कैसा है? ऋणात्मक है। विभव कैसा है सर? ऋणात्मक है। विभव कैसा है? ऋणात्मक है। ऋणात्मक है मतलब विभव क्या है? कम है। विभव क्या है? कम है। और ये विभव जो कम है, देखो डेल माइनस डेल भी है मतलब विभव क्या है? कम है। और विभव कम किसके सापेक्ष है? ये क्या है? दूरी, दूरी के सापेक्ष। और डी आर लगा है, मतलब डी लगा है इसके आगे, ये तो आर तो क्या है? दूरी। और डी क्या है? परिवर्तन को बता रहा है। किसको बता रहा है? परिवर्तन को बता रहा है, मतलब दूरी परिवर्तन के साथ ये क्या है? विभव में कमी है। समझ रहे हो ना? देखो माइनस क्या बता रहा है? कमी। किस में? डेल भी, डेल भी मतलब विभांतर, विभांतर में क्या? कमी। लेकिन ये किसके सापेक्ष है? डी आर के। और डी आर क्या है? दूरी में परिवर्तन। देखो दूरी में परिवर्तन हुआ, बी से हम कहाँ गए? ए गए। दूरी में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो आर है दूरी और डी परिवर्तन को बता रहा है, मतलब दूरी में परिवर्तन। मतलब ये दोस्तों ध्यान रखना है, दूरी में जब परिवर्तन होता है, दूरी में परिवर्तन होता है तो विभव में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? विभव में कमी आ जाती है। तो ध्यान रखना, जब हम दूरी में परिवर्तन करते हैं, दूरी को एक स्थान से जब हम दूसरे स्थान पर जाते हैं तो विभव में क्या आती है? कमी आती है। लेकिन ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र के विपरीत, विद्युत क्षेत्र के जब विपरीत जाएंगे तब विभव में कमी आएगी। तब क्या आएगी? विभव में कमी आएगी। और ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि विभव में जो कमी है, दूरी के साथ विभव में जो कमी है, इसको हम क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं? विभव प्रवणता, प्रवणता। तो ध्यान रखना, ये चीज़ आपकी जो है वो क्या है? विभव प्रवणता है। क्या है? विभव प्रवणता। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से माइंड में डाल लेना, ये चीज़ विभव प्रवणता कहलाती है, विभव प्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभांतर में जो है ना वो संबंध आ चुका है, है ना। और ये चीज़ आपकी क्या है? विभव प्रवणता। क्या है? विभव प्रवणता। समझ गए ना? तो इसको मैं हटा रहा हूँ, थोड़ा सा विभव प्रवणता के बारे में बता रहा हूँ।
तो दोस्तों हम विभव प्रवणता पे बात कर लेते हैं और ध्यान रखना, ये दोस्तों देखो विद्युत क्षेत्र की जो आपकी दिशा है, इस दिशा में जो आपको विभव में क्या मिल रही है, कमी मिल रही है। क्या मिल रही है विभव में? कमी। विभव में कमी किसके सापेक्ष मिल रही है? दूरी के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। तो ये दोस्तों आपके जो आपको दिख रहा है ना, माइनस डेल वी अपॉन डी आर, माइनस डेल वी अपॉन जो डी आर दिख रहा है, ये क्या कहलाएगी? आपकी विभव प्रवणता। ये किसके सापेक्ष है? विद्युत क्षेत्र के सापेक्ष। ठीक है, तो ध्यान रखना है बिल्कुल आपको विद्युत क्षेत्र की दिशा में। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं इसकी परिभाषा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ। देखो दूरी में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। दूरी में क्या हो रहा है? परिवर्तन। डी आर किसको बता रहा है? दूरी में परिवर्तन। और दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में क्या आ रही है? कमी आ रही है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभांतर, ये जो आपका क्या है, विभांतर की जगह आप क्या लिख सकते हो? विभव भी लिख सकते हो। विभांतर या विभव में कमी को क्या कहेंगे? विभव प्रवणता कहते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है। तो अब विभव प्रवणता का फॉर्मूला बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? विभव प्रवणता, क्या क्या फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा? विभांतर में कमी, विभांतर में क्या कमी, किसके सापेक्ष? दूरी के सापेक्ष। ठीक है, बटे क्या हो जाएगा? दूरी परिवर्तन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब विभांतर क्या है? विभांतर को हम किससे व्यक्त करते हैं? डेल वी से। तो ये आपका डेल वी, कमी के लिए माइनस लगा दिया। दूरी परिवर्तन, तो दूरी परिवर्तन को आप देखो डी आर भी, देखो डी और डेल का मतलब एक ही होता है। जो आपका डेल काम, डेल आपका परिवर्तन का काम करता है, तो डेल की जगह ही आप कभी कभी क्या लिख देते हो? डी। तो डी और जो डेल होता है दोनों परिवर्तन के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो दूरी में परिवर्तन, तो दूरी में परिवर्तन के लिए आप डेल आर कर सकते हो। अब दूरी एक्स होगी तो यहाँ डेल एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये आपका क्या हो गया? विभव प्रवणता का सूत्र हो गया, कोई दिक्कत है? तो ये विभव प्रवणता आप निकाल चुके। अब ये विभव प्रवणता निकाल चुके तो इसका मात्रक भी निकाल लो। ठीक है, चलो मात्रक। ठीक है, तो विभव प्रवणता का सूत्र ये होता है, माइनस डेल वी अपॉन आर। तो जो आपका डेल वी है वो है विभांतर, और विभांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट, एसआई पद्धति के लिए। ठीक है, ये एसआई पद्धति में। ठीक है, चलो वोल्ट हो गया। और ये दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। तो ये हो गया मीटर हो गया, मतलब वोल्ट पर मीटर जो है ना, इसका क्या है? मात्रक। क्या हो गया? मात्रक हो गया। तो ध्यान रखना विभव प्रवणता का मात्रक क्या हो गया? वोल्ट पर मीटर। अब आप क्या बता हुए? विमीय सूत्र। क्या? विमीय सूत्र। ओके, ठीक है। तो विमीय सूत्र पे अगर बात करें तो देखो आपको विभांतर और ये दूरी है, इन दोनों का आपको विमीय सूत्र रख देना। तो देखो विभांतर का जो आपका विमीय सूत्र है, यहाँ पर मैं सूत्र की हेल्प से ले रहा हूँ। देखो ये आपका विभव और ये आपका प्रवणता। सूत्र क्या है? डेल भी अपॉन डेल आर। विभव का विमीय सूत्र आपको पता है, आप जानते हो क्या होता है? बिल्कुल आप जानते हो, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन, ये होता है ना। और दूरी का क्या होता है? एल होता है। ठीक है, इसको जब आप ऊपर ले जाओगे तो ये एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन ये बनेगा। एल ऊपर जाएगा तो एल माइनस वन ये बन जाएगा। अब हम क्या करें? देखो ये एल माइनस दो है और ये एल माइनस वन है। ए एल माइनस क्या है? वन है। तो दो में से एक को घटा दो तो क्या बन जाएगा? एम बचेगा एल। तो दोस्तों ये आपका जो विभव प्रवणता है, इस विभव प्रवणता का क्या है दोस्तों? विमीय सूत्र है। आप देखो किस टाइप से मैंने यहाँ पर निकाला है, आप इसको समझो और इसको आप नोट कर लो। तो आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।